वेलकम टू OYC इन सेल्स सेकेंड सीरीज़। इससे पहले हमने ये देखा कि आपने अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे ढूंढना है, कैसे पता चलेगा कि आपकी क्लाइंट्स या टारगेट ऑडियंस क्या है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाइपलाइन जो जनरेट होती है जब आप किसी भी एक क्लाइंट को कॉन्टैक्ट करते हैं, एक दिन में आप मल्टीपल क्लाइंट्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, मल्टीपल लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आपके पास एक क्लाइंटेज डेवलप हो जाती है, लोगों का एक पाइपलाइन में आना शुरू हो जाते हैं। वो लोग डिफरेंट स्टेजेस पे मौजूद होंगे, किसी को आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी, कोई फॉलो अप प्रोसेस में होगा, कोई क्लोजिंग के बिल्कुल करीब होगा। द पॉइंट इज जो प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि ये एक फुल टाइम जॉब होगी। अगर कोई भी क्लाइंट आपका किसी भी टाइम आपसे असिस्टेंस लेता है, हेल्प आपसे चाहता है, आपको कॉल करता है, तो आपको उसके टाइम के मुताबिक अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे सेल पर्सन्स मेजॉरिटी ये गलती करते हैं कि वो अपनी जॉब को 10 to 6 या 10 to 7 समझते हैं, और उसके बाद अपना वो नंबर जो उसको ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड किया गया होता है वो बंद कर देते हैं या साइड पर रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपने सेल्स में अपनी एक पाइपलाइन अच्छी जनरेट करनी है तो डेफिनेटली आपको थ्रू आउट द डे आपको परफॉर्म करना होगा।